Hey guys, welcome back to my new vlog. तो गाइस आपको एक जगह बहुत दिन के बाद देखने को मिला, क्योंकि गाइस हम ब्लॉग बहुत दिन के बाद बना रहे हैं क्योंकि हमारा फोन का कंडीशन थोड़ा खराब हो गया था। तो अभी हम 5-6 दिन पहले आए हैं यूपी माने उत्तर प्रदेश अपने घर भाई के यहाँ, जिसको कि आप पहचानती होंगे हमारे ब्लॉग पुराने वाले ब्लॉग में जब दिखता होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए कुशीनगर, मैं पीयूष और एक भैया हैं अजय भैया, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं। तो भैया गाइस आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मर्सिडीज लगा हुआ माने कि निंजा H2R जो कि ब्लॉगर पीयूष चला रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अजय भैया को लेने के लिए। अभी वो लाइब्रेरी में देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बुद्धा लाइब्रेरी। तो अभी मैं और पीयूष आ चुके हैं देख सकते हैं आप। तो अभी वो आ रहे हैं बस कुछ ही देर में। तो गाइस फाइनली अजय भैया आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यही है हमारे अजय भैया। अरिनी का तब से इंतजार था गाइस। देखिए अजय भैया आ गए हैं, यह मेरा भाई है, यहाँ मैं हूँ, हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए चलते हैं गाइस, रुके पहले मैं बैठूंगा, चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं देख सकते हैं, वेलकम कुशीनगर। कुशीनगर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो गाइस पता नहीं हम लोग को ये दोनों लोग कहाँ लेके आ गया है, पार्क बोल के पता नहीं है कहाँ लेके आ गया, आप देख सकते हैं। ये पूरा एक टाइप का पार्क है, उस घर में पता नहीं बुद्ध भगवान सो रहे हैं ऐसा हमको बताया गया है। अभी देख सकते हैं आप पूरा ये पार्क है, यहाँ दूसरे कंट्री से भी लोग आते हैं। पापा की परी फोटो खींच रही है, देखिए गाइस वहाँ पापा की परी फोटो खींचा रही है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ या ये सब पुराना जमाना घर होता था। और गाइस अभी यहाँ घुमाने के लिए हमको लाए अजय भैया जो कि हमारे गाइडर है अभी। ओह सॉरी, तो गाइड कौन बनना पसंद करेगा? अजय भैया हमारे गाइड बने। तो गाइस पढ़ सकते हैं वे टू टॉयलेट, इधर आपको टॉयलेट जाना है तो इधर जा सकते हैं आप। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। But you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of every. तो गाइस हमारे साथ लॉल हो चुका है। देखिए पुराने समय में सीमेंट होता था तो हम लोग लत पड़ते आए हैं कि पुराने जमाने में सीमेंट नहीं होता था। तो देख सकते हैं अभी आप इतना ये सब पुराना जमाना कुछ कुछ होता था जो कि हमको भी अच्छे से पता नहीं है। अभी देख सकते हैं अभी लोग इसके अंदर जाएंगे लेकिन इसके अंदर अब वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग आपको गूगल पर से फोटो ला के दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आप मोमबत्ती जला सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता यहाँ मोमबत्ती जला क्यों है जस्ट इसके सामने। तो अभी चलते हैं हम लोग इसके अंदर। यहाँ पे लोग रील्स बना रहे हैं, देखिए आप वहाँ पे लड़का रील्स बना रहा है, जूम हो जाओ। तो गाइस देख सकते हैं इस घंटे को पता नहीं इसको बजाने से क्या होता है, बुद्ध भगवान तक आवाज चला जाता है इसको बजाने से। तो अभी हम लोग बहुत घूम चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। देख सकते हैं ये पूरा एक टाइप का पार्क हुआ, हम लोग बहुत घूमे। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और पता नहीं अभी हम लोग फिर कहीं जा सकते हैं या फिर नहीं भी जा सकते हैं। तो बने रहे ब्लॉग में और देखे फिर से हमारा अजय भैया आ गए हैं। उस दिन वाला वीडियो आप लोग को याद होगा हमारा और अजय भैया का था, और ये बहुत ज्यादा हंस रहा है, कोई बात नहीं हंसने दीजिए। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं, अजय सर हम लोग को कुछ खिलाएंगे और ये कैमरा छीनना है इसको, दूसरे का उससे जलन होता है। अभी अजय सर हम लोग कुछ खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे शर्मा जी? आप शर्मा जी, शर्मा जी कैमरा पे नहीं बोलूंगा, शर्मा जी इसको कट कर दो, कट कर दो गाइस, कट कर दो, कट कर दो, बताइए क्या खिलाएंगे। तो गाइस आपको जो ये वाइट ड्रेस में लोग जो दिख रहे हैं ये सब श्रीलंका से घूमने के लिए आए हैं, वो भी यहाँ, जो कि हमको थोड़ा सा मजा नहीं आया, ये लोग को पता नहीं क्या आया होगा। तो गाइस हम लोग वापस से आ गए, अजय भैया को लाइब्रेरी छोड़ दिए, वहाँ से वो बाइक लेंगे और हम भी लोग जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में हम लोग अजय घर पे। अब हम लोग घर आ गए हैं और अभी आप टाइम देख सकते हैं, आपको मैं टाइम दिखा, ये टाइम देखिए बाबा जी कुछ परेशान, 6:29 हो गया। और ये इस बेसर हमको देखिए
6:30 बजे रात में कोई किसी के घर आता है इसके अंदर थोड़ा भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, किसी घर भी आ जाता है 6:30 बजे। बताइए गाइस, ये सब अच्छा बात है, आप ही बताइए इस बात पर, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में इसको बताइएगा, इसको थोड़ा संस्कार सिखा दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बनाने वाले हैं आलू पराठा। तो अभी हम लोग गए थे आलू पराठा बनाने के लिए, तो हमें पता चला कि हमारे पास सिर्फ इतना आलू है और प्याज खत्म है, सब कुछ खत्म है। तो अभी हम और क्यों जा रहे हैं मार्केट आलू प्याज लाने के लिए। और ये लड़की बोलो इसको पिटो जर कल्स, बोल रही है। तो देखिए ये रहा हमारा फिश टैंक। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी। कभी कैसे हम लोग आ गए आलू और प्याज लेके, देख सकते हैं सब्जी दुकान पे हम और पीयूष दोनों लोग, और आलू प्याज हम लोग ले चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं घर, आलू पराठा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो अभी कैसे हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए हम लोग चढ़ा दिए हैं। देखिए गाइस इसमें कुछ, और गाइस पहले प्याज काटिए फिर उसके बाद आप बतियाइएगा। चलिए गाइस बतियाइएगा। हाँ ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग पहले प्याज काटेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग प्याज काटेंगे और फिर हम लोग उसे मिलते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पे आलू बॉईल हो गया है लगभग, और इधर प्याज लहसुन और मिर्च सब कट गया है। और आपको दिखाते हैं हमारे सेफ पीयूष, देखिए गाइस सेफ पीयूष जो आटा सान रहा है अभी। दिन बेकार हो गया, पेपर गलती खत्म हो गया, टेंथ के बाद इसको बाहर जाना है, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है बाहर जाने का। और ये हमारे अंकल, काफी अच्छा लग रहा है पीयूष को आटा सानते हुए देख के। ये हमारे मामा के साथ रहते हैं, पीयो मामा के साथ। अच्छा, श्री कुंदन कुमार के ईपीएस। और कल मेरा पेपर है देख सकते हैं, इसलिए मेरा भाई आटा सान रहा है, तो मैं सानती। नहीं गाइस झूठ बोल रही है, यस गाइस मैं सानती हूं। गाइस झूठ बोल रही है, गाइस को बता झूठ बोल रही है, गाइस ये झूठ बोल रही है, गाइस को बता झूठ बोल रही है। तो अभी गाइस हम लोग का सारा काम हो चुका है, अभी हो रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है, उसके यहाँ आटा भी सना गया है। तो अभी हम लोग सीधा बनाएंगे पराठा, तो मिलते हैं आप सीधा हम आप लोगों से पराठा हम लोग बना के। तो गाइस फाइनली हम लोग का आलू पराठा बन चुका है, देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा आलू पराठा। थोड़ा हम लोग घर में तेल ज़्यादा हो गया था।